दोस्तों नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर लंबे समय से काम करने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट अपडेट आपको यहां पर मिलेगा। तो अगर आप भी अतिथि शिक्षक हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा। प्रदेश के सरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साथ ही तमाम बड़े नेताओं से अतिथि शिक्षक लगातार मुलाकात कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अतिथि शिक्षकों के हित में उनके स्थायीकरण के भविष्य को सुरक्षित करने संबंधी नीति बनाने का आग्रह कर रहे हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर जो अपडेट आपको बताने वाले हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष से अतिथि शिक्षकों की मुलाकात की गई है और इस मुलाकात में अपनी मांगों का एक ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष को और बीजेपी पार्टी को चेतावनी देते हुए अतिथि शिक्षकों ने स्पष्ट तौर पर बताया है कि अगर चुनाव से पहले उनके लिए नीति नहीं बनती है तो वह आपको कंप्लीट जानकारी बताएंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट अपडेट मामला अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से अतिथि शिक्षकों ने विधानसभा चुनाव से पहले सक्रियता दिखाते हुए एक बार फिर से अतिथि शिक्षकों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन देने के साथ ही अतिथि शिक्षकों ने चेतावनी भी दी है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ ये देख सकते हैं सक्रिय अतिथि शिक्षक और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा यानी विष्णुदत्त शर्मा को अतिथि शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर चुनाव से पहले उनके भविष्य को सुरक्षित नहीं किया गया, वेतन में वृद्धि नहीं की गई, पद स्थायी नहीं किया गया तो उनके लिए आगामी समय अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर खुलकर चेतावनी दी गई। पूरा अपडेट यहाँ पर आपको बताएंगे। आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को पूरा देखें और लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। लवकुश नगर से पूरा अपडेट है। अतिथि शिक्षकों के द्वारा शुक्रवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन देते हुए पूर्व से की जा रही मांगों पर कार्यवाही करने की मांग की गई है। वहीं अतिथि शिक्षक के जिला अध्यक्ष राम अवतार कुशवाहा ने बताया है कि मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक विगत 10 से 15 वर्षों से अध्यापन का कार्य कराते आ रहे हैं, जिन्होंने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई बार ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक धरना प्रदर्शन रैली के माध्यम से लगातार ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही अतिथि शिक्षकों के लिए नहीं की गई है। वहीं इस ज्ञापन में लेख किया गया है कि अतिथि शिक्षकों के कार्य अनुभव के आधार पर विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर इन अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षक बनाया जाए, तो यहाँ पर बनाने की कार्यवाही की जाए जिससे हमारा भविष्य जो है सुरक्षित हो सके। साथ ही मांगों में पद को रिक्त ना माना जाए, यानी जिस पद पर अतिथि शिक्षक काम करते हैं उन पदों को रिक्त ना माना जाए, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की जगह कभी भी नियमित शिक्षक आ जाते हैं और अतिथि शिक्षकों को बीच में ही हटना पड़ता है, तो ये चीज़ यहाँ पर मांग की गई है। साथ ही कार्य अनुभव के आधार पर अतिथि शिक्षकों की विभागीय पात्रता परीक्षा लेकर नियमित शिक्षक के रूप में प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, यानी जो जिस वर्ग में अतिथि शिक्षक है उस वर्ग में उनको सम्मिलित करके प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक बनाया जाए। साथ ही यहाँ पर 12 महीने का सेवा काल अतिथि शिक्षकों का किया जाए। आपको अभी बता दें, अभी जो व्यवस्था है उसमें अतिथि शिक्षक 6-7 महीने ही विद्यालय पर रहते हैं, वह भी जब तक नियमित शिक्षक नहीं आता है। अगर 12 माह वाला फिक्स सेशन होता है तो अतिथि शिक्षकों को 12 महीने का वेतन दिया जाएगा, भले ही अतिथि शिक्षक बीच में बाहर हो जाएं। साथ ही इनका जो सेवा करने की आयु है वो 62 वर्ष की उम्र तक पद स्थायित्व और वेतन वृद्धि दुगुनी की जाए, ये मांगे यहाँ पर रखी गई हैं। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट मांगे हैं जो कि अतिथि शिक्षकों ने रखी हैं और साथ ही यहाँ पर वेतन वृद्धि करने के लिए भी ज्ञापन कहा गया। इसके इतना ही नहीं, अतिथि शिक्षकों ने चेतावनी भी दिया। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार हमारी प्रमुख मांगों को नहीं मानती है, तो हम सभी अतिथि शिक्षक भाजपा के पक्ष में, यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, बीडी शर्मा के समक्ष कहा गया है कि भाजपा के पक्ष में वोट नहीं करेंगे और सरकार बदलने का कार्य अतिथि शिक्षक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीधी तौर पर चेतावनी दी गई है। वहीं ज्ञापन देने के दौरान अतिथि शिक्षक बालेंद्र त्रिपाठी, जितेंद्र अवस्थी, दुर्गेश द्विवेदी, चंद्रमान वाजपेयी, धीरज चौरसिया आदि ये सभी अतिथि शिक्षक मौजूद रहे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपनी मांगों के बारे में बताया है और साथ यह भी बताया है कि चुनाव के पहले, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले हमारी मांगें पूरी हो जानी चाहिए, नहीं तो हम भाजपा के पक्ष में वोटिंग नहीं करेंगे, यानी प्रदेश में हम भाजपा के समर्थन में
नहीं रहेंगे। तो वीडियो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसको शेयर जरूर करें। अतिथि शिक्षकों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। क्या 10 से 15 सालों के जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं उनको सरकार को नियमित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस बारे में अपनी राय बताएं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल फ्री में कर लें, और लाइक और ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ।